हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है ललित शर्मा, तो स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, अभी सुबह का टाइम हो चुका है और मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं रेडी हो चुका हूँ दोस्तों। कहाँ जाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो मौसम है आज, वो किस तरह से हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और चारों साइड से बिल्कुल कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। और क्योंकि आज पूरे दिन भर की बारिश बता रहे हैं, तो मैं आपको पहले सबसे पहले मौसम का हाल दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि कहाँ जाने वाला हूँ। आज का ब्लॉग है दोस्तों, वो बहुत खास होने वाला है। तो चलिए, मैं सबसे पहले मौसम अगर दोस्तों मौसम की बात की जाए, तो चारों साइड से जो कोहरा है वो छाया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये देखिए आप, हाँ जी, ये देखिए आप, बिल्कुल चारों साइड से बिल्कुल कोहरा ही कोहरा है। क्या खूबसूरत मौसम लग रहा है, बट थोड़ा ना बारिश हो रही है और जिसमें जाने के लिए मुझे कुछ समस्या हो रही है। ये देखिए आप पूरी तरह से, और मैं आपको थोड़ा सा यमुना का व्यू दिखा देता हूँ। यमुना जी का ये है दोस्तों, यमुना जी थोड़ा सा पानी गंदा सा हो रखा है क्योंकि बारिश पीछे भी हो रही होगी। दोस्तों आपने देखा मौसम का जो हाल है, वो कैसा मौसम हो रहा है आज। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है आज। सुबह से ही बारिश चल रही है, मतलब रात को भी बारिश हो रही थी, हल्का फुल्का तूफान भी हो रहा था। तो दोस्तों मैं आज जाने वाला हूँ दोस्तों महाराज जी के पास। जैसा कि आप सभी लोगों को पता हूँ, आजकल जो महाराज जी है वो अपने जहाँ पे विराजमान थे वहाँ से बाहर निकल चुके हैं दूसरी जगह के लिए, जहाँ पे उनको अब प्रस्थान करना है, जहाँ पे उनको जिस मंदिर में प्रवेश करना है उस मंदिर के लिए वो बाहर निकल चुके हैं। आजकल महाराज जी की जो यात्रा है वो चल रही है। आज महाराज जी जो प्रवेश करने वाले हैं दोस्तों, वो पशगांव खत के दसों गांव में जौनसार में आज प्रवेश करने वाले हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए, ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों को मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। कैसे महाराज जी अंदर जब प्रवेश करते हैं, किस तरह से जो अंदर प्रवेश होने की जो प्रक्रिया होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए आप ब्लॉग एंड तक दोस्तों। अगर चैनल पर आप पहली बारी विजिट कर रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि जब भी मैं आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग की वीडियो लाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी बारिश हो रखी है और अभी देखते हैं कितनी देर तक और बारिश रुकती है और उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। तो दोस्तों काफ़ी देर बाद अभी थोड़ा मौसम खुल चुका है, हल्की हल्की धूप लग चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब निकलता हूँ अपने बाइक से सीधा, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, और बाइक को करते हैं स्टार्ट। और फिर चलिए स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट कर दी है। मैंने थोड़ा मफलर लगा दिया क्योंकि थोड़ा मौसम है ना, वो थोड़ा सा ना ठंडा हो रखा है। आप देख सकते हो पूरा क्लाउडी हो रखा है मौसम। तो चलिए निकलते हैं, बाय। ये है दोस्तों दसों गांव का गेट, ये
पे है और टाइम क्या हो गया? और 40 मिनट टाइम बच चुके हैं, अभी एक बजे का टाइम हो चुका है और महाराज जी पहुंच चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ महाराज जी और साथ में महाराज जी का जो छत्र है वो दिखाता हूँ। तो चलिए I'm not.
दोस्तों अब महाराज जी ने प्रवेश कर दिया है सीधा मंदिर में और अब इसके बाद की प्रक्रिया होगी। महाराज जी ने प्रवेश करा 1:30 में और अब इसके बाद खाने की जो प्रक्रिया है वो अब खाना भंडारा खाया जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद।